कैसे एक रूखी बातचीत में फूंके जान। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप एक समूह में बैठे हों और तब अचानक से सब लोग शांत हो गए हों, जैसे किसी के पास कोई कुछ भी कहने के लिए नहीं हो। जब एक समूह में होते हैं तब तो इस स्थिति से निकलने के कई तरीके हैं, लेकिन यदि आप अकेले किसी व्यक्ति से मिलने गए हैं तो उस वक्त ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो आप दोनों को असहज कर देती है। यहीं से आती है हमारी 18वीं तकनीक कि कैसे आप एक रूखी बातचीत में नई जान फूंक सकते हैं। इस तकनीक में आपको ऐसा करना है कि आपको सामने वाले व्यक्ति के सभी बातों को एकदम ध्यान से सुनना है। इसके बाद यदि कोई विषय आपकी जान पहचान का हो तब आप अपनी तरफ से भी उस विषय से जुड़ा अनुभव साझा कर सकते हैं। फिर भी मान लीजिए आपको उस विषय के बारे में कुछ भी नहीं पता, तब आप सामने वाले व्यक्ति से उस विषय के बारे में पूछें। इस तरह आप एक रूखी हुई बातचीत में नई जान फूंक सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि यदि कोई आपसे कहता है कि उन्हें आइस हॉकी बेहद पसंद है। अब यदि आपको भी आइस हॉकी पसंद है तो उनके साथ अनुभव साझा कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको आइस हॉकी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तब आप उनसे आइस हॉकी के बारे में पूछकर बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बातचीत को जारी कैसे रखा जाए, तो इसके लिए हमारी अगली तकनीक आपके काम आएगी जो ये कहती है कि जब आप किसी व्यक्ति से बात करें तो ऐसा सोचें कि काल्पनिक स्पॉटलाइट के ऊपर है, और जब आप बोल रहे होंगे तब ये सोचिएगा कि ये स्पॉटलाइट आपके चेहरे पर है, और जब आपके सामने वाला व्यक्ति बोल रहा होगा तब सोचिए ये स्पॉटलाइट उसके चेहरे पर है। यदि स्पॉटलाइट आपके चेहरे पर अधिक समय तक रहती है तो ये मानकर चलिए कि उसकी रोशनी में सामने वाले व्यक्ति को आपका कहा कोई भी शब्द समझ नहीं आने वाला। इसीलिए आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि स्पॉटलाइट आपके चेहरे पर कम रहे और सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर ज़्यादा। यहाँ हमारे ये कहने का मतलब है कि जब आप किसी से बात करें तो वो बातचीत केवल आपके इर्द गिर्द नहीं घूमनी चाहिए। इन सभी तकनीकों का इस्तेमाल करने के बावजूद हमें अब तक के सवालों का जवाब नहीं मिला है कि हम किसी से बातचीत को आगे कैसे बढ़ाएं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लगभग हर व्यक्ति को समस्या कभी ना कभी देखने को मिलती है। कई बार हमारी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि हम उसी वक्त कोई नई बात निकाल कर उस व्यक्ति को बताएं। ऐसी स्थिति में ये प्रयास बिल्कुल ना करें कि आपको कोई बात करनी ज़रूरी है। इसके बजाय आप ये जिम्मेदारी सामने वाले व्यक्ति को सौंप दीजिए। यही है हमारी 20वीं तकनीक जो ये कहती है कि जब भी आप कोई नई बात ना सोच पा रहे हों तो सामने वाले व्यक्ति द्वारा की गई आखिरी बात को दोहराएं और उसके बारे में उनसे कुछ बात करें। इस तरह से आप अपनी बातचीत को भी आगे जारी रख पाएंगे और कोई नई बात करने की जिम्मेदारी भी आप पर नहीं होगी। तो इसी के साथ समरी हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।